पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में शुरू हुए। मुशीर खारजा सरताज अजीज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा कि खुशहाली के एजेंडे पर पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने में मुकम्मल तआवुन फराहम करेगा। बिल्डिंग stronger ties with the people of Pakistan, I emphasize with the people of Pakistan broadly writ, has been a personal commitment of mine for some period of time. I was privileged to sponsor what became known as the Kerry Lugar Berman bill in the Congress, which provided significant economic assistance and still does. जॉन कैरी ने वजीर आजम नवाज शरीफ की पॉलिसियों की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत मुआशी और तवानाई बहरान के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि अमरीका पाकिस्तान को दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के हवाले से ही न देखे, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त पाकिस्तान की सलामती को भी मद्देनजर रखा जाए। मुशीर खारजा ने कहा कि पाक भारत तनाज़ात के हल में मसला कश्मीर मरकजी अहमियत का हामिल है।